तो ये वीडियो आपके लिए दिलचस्प हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपको अच्छा लग सकता है, नहीं भी लग सकता, पर एक वजह की वजह से देख लीजिएगा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़े दिनों में से एक है, क्योंकि मैं जिनके साथ बैठा हूँ मैंने इनसे बहुत सारा सीखा है, समझा है ना, और अपने काम, आपके काम में जो लोग आपसे बहुत आगे होते हैं उनके सानिध्य में, उनके आसपास रहने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आज हमारे काम में हम जिस तरह की जिंदगी जीते हैं, जीना चाहते हैं, उसमें जो सबसे ऊंचे पायदान पे हैं हिंदुस्तान में, वो आज मेरे साथ बैठे हैं। कपिल भाई कैसे हैं? अरे लव यू जाकिर भाई, इतनी प्यारी प्यारी बातें आपने बोल दी, मेरे को टेंशन में हो गए। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो ब्रो। मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं कैसे कैसे बात करने का मौका मिलेगा, क्या मिलेगा, पर मैंने कहा कुछ ना कुछ, आप मन में चाहो कुछ ना कुछ होता ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है, मैं भी आपके वीडियो देखता रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ यार, जैसे हमें तो एक प्लेटफॉर्म मिला है, यू नो टीवी पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश शो था लाफ्टर चैलेंज, तो हम आ गए, आपने बिल्कुल एकदम से जीरो फैन बेस से, अभी कोई नहीं जानता, सीधा पहला वीडियो डाला यूट्यूब पे और इतने वायरल हो गए, तो मैं वो देखता रहता हूँ आपके वीडियो कभी कभी, कि यार एक जैसे आप बोल रहे हो कि एक दूसरे से सीखने को मिलता है, हम सब सीखते हैं, सो मैं बड़ा पसंद करता हूँ भाई आपके वीडियो, मज़ेदार होते हैं, कनेक्ट करते हो आप लोगों। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपसे क्रमशः पूछूंगा, क्या मैं आपसे सीक्वेंस वाइज पूछूंगा? अच्छा अच्छा, क्योंकि चार दिन की कहानी है, तो चार हाईलाइट आपको अपने जीवन के क्या लगते हैं आपको? चार तो मुझे लगता है कि कम होंगे, क्योंकि लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने अपने नेटफ्लिक्स के स्टैंडअप में भी कहा था ना कि मुझे जिस सब्जेक्ट्स में मज़ा आता था वो मिले नहीं, या शायद म्यूज़िक सीखना चाहता था, पर आज मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे मनपसंद सब्जेक्ट मिल जाते तो मैं तो उन्हीं में लगा रहता, आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता जो भी कर रहा हूँ। फिर आपकी जब शादी होती है वो सबसे बड़ा हाईलाइट होता है भाई साहब, है ना, और वो भी अपनी मनपसंद से हो जाए तो बहुत बड़ी नेमत है। नेमत है। और फिर उसके बाद बच्चे होते हैं लाइफ में, तो बस मुझे लगता है कि ये दो तीन चार हाईलाइट तो लाइफ में बड़े हुए ही हैं, बाकी तो दो तीन मेरे हाईलाइट घर पे ही हैं। और फिर ऑफ कोर्स जब पहली बार टीवी पे तो वो अमृतसर ऑडिशन लेने आए थे, तो वहां पे तो उन्होंने फटाफट बोलते ना 2 मिनट में सुनाओ कुछ, मैंने 2 मिनट में कुछ ना कुछ सुनाया, उन्होंने आधे मिनट में रिजेक्ट करके निकल गए, है ना। फिर चलो चलो चलो, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो ये बात है लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 की, उससे पहले 2 सीजन आ चुके थे। फिर जब ये लाफ्टर चैलेंज हिट हुआ, तो फिर रीजनल चैनल था हमारे MH1, उन्होंने पंजाबी में शुरू कर दिया एक हंसदे हंसांदे रहो, तो मैं उसमें चला गया कि चलो लाफ्टर चैलेंज में नहीं हुआ तो इधर चलते हैं। तो जब वहां पे कर रहे थे हम लोग शूटिंग, तब पता चला दिल्ली में फिर ऑडिशन है। दिल्ली में कोई और बंदा आया हुआ था ऑडिशन लेने, मैं फिर ट्राई किया दिल्ली में, दिल्ली में जब किया तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, फिर आए। अच्छा, उस समय हमें पता नहीं होता था प्रोडक्शन हाउस क्या होता है, चैनल क्या होता है, मतलब हमें तो पता है स्टार पे आता था प्रोग्राम, वो कर रहे हैं और के बस। तो एंडेमोल करके प्रोडक्शन हाउस है एक, उन्होंने मुझे फोन किया कि हम एंडेमोल से बोल रहे हैं, सर आई एम टॉकिंग फ्रॉम एंडेमोल एंड यू हैव टू कम टू बॉम्बे, वी आर सेंडिंग यू टिकट। एंडेमोल मेरे को सुनाई नहीं दिया, मुझे लगा अंडेमान वाले मेरे को मतलब बाहर से क्यों फोन आ रहा है, बॉम्बे में है प्रोग्राम। तो पहली बार उन्होंने बुलाया हमें, अच्छा जब आपको कुछ ज्यादा वो दे देना लग्जरी, तो साले अपने चुटकुले ना वो दोबारा आदमी डाउट में आ जाता है कि जिस हिसाब से फ्लाइट है फ्लाइट भी बड़ी नहीं लग रही है। फिर मैंने अपनी डायरी खोली कि ये चुटकुले, ये जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उस हिसाब से ठीक है कि नहीं, कहीं कल को मैंने कहा ये चले ना, ये टिकट के पैसे ना मांग लें कल को हमसे, तो वो डर भी लग रहा था। फिर एक पहला एपिसोड जब हुआ, बड़ा एप्रिसिएशन मिला, बस फिर तो फिर लाफ्टर चैलेंज किया, फिर तो वो नेवर लुकिंग बैक, फिर कुछ ना कुछ। तो सारी दुनिया बात करती है ना कि ऑब्जर्वेशन ऐसी होनी चाहिए, कॉमेडी में ये करना चाहिए, कॉमेडी में वो करना चाहिए, फलाना ढमका, पर मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी में समय बर्बाद करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, वो आपको बहुत मटेरियल देता है। उस समय लगता है शायद ये कुछ हो नहीं रहा है, पर वो सारी इन्वेस्टमेंट होती है। और जो हमारे बुजुर्ग बोलते हैं ना कि पढ़ा लिखा कभी बेकार नहीं जाता, तो पढ़ा लिखा सिर्फ किताबों का ही नहीं है, जो भी जिंदगी को पढ़ा आपने, जिन लोगों से मिले हो, आज हम कोई ना कोई करेक्टर प्ले करते हैं अगर, तो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होते हैं, वो किसी ना किसी को देखा रहता है हमने, यार एक अंकल मिले थे वो बातों बातों में ऐसा करते हैं, है ना। तो आप कैसे अब इतना शूट करते हो, आप इतना तो ये अब आप कैसे अपने आप को फ्रेश रखने के लिए क्या करते हो भैया? यार ये बड़ी मजेदार बात पूछी आपने, जनरली मैंने ना सेम ऐसी ही बात मैंने नवाज भाई से पूछी, मैंने कहा हम जिस बेल्ट से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, हम बात करते हैं, हमारे ह्यूमर में भी वही चीजें, ऑब्वियसली हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुई है, और वो सारी चीजें सुना सुना के अपना एक्सपीरियंस लाइफ का, वो किससे लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए, अब जबकि ज्यादा जरूरत है, क्योंकि तब तो इकट्ठा हो रहा था सब कुछ दिमाग में, उसको खर्च करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, अब जबकि ज्यादा जरूरत है आपको सोसाइटी में रहने की, पर वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि पहले जैसे सड़क पे निकल पड़ते थे, अब
वैसा नहीं, लोग पहचानते हैं, अभी आप है ना फंस भी सकते हो। सो मेरा क्या होता है, कभी कभी मेरे पुराने जो दोस्त हैं, मेरे आज भी वही दोस्त हैं जो स्कूल कॉलेज के थे, तो कभी भी मौका मिला, जैसे अभी न्यू ईयर पे था तो मैंने सारे अपने पुराने यार दोस्तों को फ़ोन किए, मैं कहा वो बैठते हैं, तो ले देख के मैंने देखा है किसी ने किसी से नहीं पूछा तू क्या कर रहा, ले देख के वही मेमोरीज, तुझे याद है एक बार हम कॉलेज की पिकनिक में वहाँ पर क्या हुआ था, अरे याद है, तो यही सब बातें, तो फिर उनके बातों बातों में जो भी किस्से, तो आई थिंक वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, कट ऑफ नहीं हो सकते आप, कट ऑफ हो गए तो फिर आप वो मैकेनिकल हो जाओगे, वो बहुत जरूरी है ना कि आप लगातार लोगों से रसद आपकी आती रहे, बहुत जरूरी है। टीवी का ये जो कपिल शर्मा शो करने का जो अनुभव है आपका पिछले 10 साल से लगातार कर रहे हो आप, राइट, वो एक्सपीरियंस में कितना ग्रो करे आप, क्या क्या सीखा आपने एज आर्टिस्ट, क्या क्या सीखा आपने? यार मुझे लगता है कि हर एक एपिसोड के बाद कोई ना कोई नई चीज, जैसे आज पहले मुझे लगता था जब लाफ्टर चैलेंज में पहले ऑडिशन में रिजेक्ट हुआ, मुझे लगता है यार ऐसे कैसे रिजेक्ट कर गए, लेकिन आज जब मैं अपना वो सीजन देखूँ ना कभी, तो मुझे लगता है इन्होंने सेलेक्ट कैसे कर लिया मुझे, एक होता ना कि आप खुद को एनालाइज करते हो कि यार ये बड़ी कमी है परफॉर्मेंस में, तो वो करते करते ऑब्वियसली आप कोई भी काम करो, चाहे कोई सीरियस मूवी करो, नई चीज़ें सीखते रहते हो, और मैंने बड़ा ग्रो किया है, कॉन्फिडेंस भी आप में एक आता है ना, पहले पहले कोई फिल्म स्टार आता था मैं खुद घबराया रहता था, है ना, आजकल उल्टा है क्या बात है, मतलब वही है काम, जितना आप काम करते हो, बिल्कुल। मुझे याद है बच्चन साहब मेरे शो पे आए ना पहली बार, मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं, मैंने पूरा शो खड़े खड़े, मेरे दिमाग में भी नहीं आया, ना ही मुझे किसी ने बोला सामने से कि तू भी बैठ जा फ्रेम में, है ना, अलग है कि उनको वाइड खोलना पड़ रहा है, कि अगर मैं भी बैठ जाऊंगा तो शायद क्लोजअप भी लग जाएगा, और बड़ा कमाल का एपिसोड हुआ, तो फिर मतलब पूरे बॉलीवुड को मैंने अपने घर में रिसीव करके उनसे मिला हूँ, ऐसी सो इतनी खूबसूरत यादें हैं, यार एक डेकेड पूरा निकल गया, 10 साल और जनरेशन चेंज हो गई, बहुत होते हैं, हमें नहीं पता चला एक्चुअली, तो मुझे कभी कभी कमेंट्स आते हैं ना, सर मैं स्कूल में था जब आपका शो देखता था, फिर मेरे को रियलाइज होता हम बड़े हो रहे हैं, है ना, नहीं तो आदमी अपने आप को मानता ही नहीं है। तो भाई मेरे को पूछना था आपसे कि बड़े बड़े लोग आपके शो पे आए थे, ऐसे कौन से नोटेबल लोग थे जिनसे मिल के आपको लग रहा था कि यार ये थोड़ा भारी है, मतलब जैसे अमित जी हुए, जी जी, शाहरुख खान से आप कैसा रहा वो वाला? यार शाहरुख भाई से जब पहली बार मिला था ना, वो आदमी में ना एक बात है, वो इतना बड़ा सुपरस्टार है, पर वो आप उनको भी पता है कि मेरे सामने शायद नर्वस हो जाएगा कोई, तो वो पहली बार में आपको मिलके पहले तो इतना कंफर्टेबल कर देंगे कि उसके बाद आप ऐसे हो जाते हो, अच्छा और सुनाओ फिर शाहरुख भाई। तो जैसे मेरे को उन्होंने पहली बार अपनी वैन में बुलाया, शाहरुख भाई बुला रहे हैं मेरे शो पे आए, तो मैं ऐसे, दीपिका भी नई नई आई थी उस समय, हे दीपिका यू नो हिम, इसने देवदास का स्पूफ किया था, मैं इसका फैन हूँ, मैं सोचूं यार शाहरुख भाई ये बात बोल रहे हैं, शाहरुख खान है ना, तो फिर आदमी रिलैक्स हो जाता है। तो फिर 6 घंटे मेरे सेट पे रहे, इतना मजा किया हमने, तो वो एक बात तो है उस इंसान में कि जो उसको जानते नहीं अभी तक, मतलब स्क्रीन पे ही देखा है वो तो उनसे प्यार करते ही हैं, जो एक बार उनसे मिल लेता है वो फिर वो उसके दिल में बस जाता है शाहरुख खान, क्या सो प्यारा इंसान बहुत ही। फेवरेट हीरोइन कौन सी आपकी दीपिका पादुकोण के अलावा? अच्छा ये तो कंफर्म है दीपिका बहुत, मैं मुझे ना सिर्फ कई लोग ऐसे पूछते हैं, मुझे एक चीज ना वो भी बड़ी अपील करती है कि जैसे दीपिका की अगर बात करें, एक्ट्रेस तो कमाल है ही, लेकिन वो विदाउट एनी फिल्मी बैकग्राउंड इस इंडस्ट्री में आना और टॉप पे पहुंचना, एक जर्नी की भी रिस्पेक्ट होती है। क्या बात है, वाह। पर मैंने देखा जैसे कि आपका ये रनिंग गैग भी, आपका इतना लंबा शो है कि उसमें बहुत सारे रनिंग गैग्स भी हैं। जी। जैसे दीपिका एक रनिंग गैग है, है ना, कि एक वो एक वो पूरे टाइम वो बना रहता है कि रणवीर सिंह जब आ रहे तब भी दीपिका है उसमें। हाँ, क्योंकि अब एक ना एक लोगों के मन में भी एक रिलेशनशिप बन जाता है, है ना, कहीं मैंने उनके साथ कोई ऐसी फ्लर्ट वाली बात की तो लोग भी यू नो उसको एंजॉय करते हैं, तो बड़ा प्यारा सा रिलेशनशिप बन जाता है ऑन स्क्रीन है, ऐसा नहीं कि ऑफ स्क्रीन भी जब मिलते हैं इतने प्यार से मिलते हैं, तो हाँ मजा आता है। भाई उस दिन जब मैं आपके शो पे जब आया था तब मेरा सबसे बड़ा हाईलाइट थे आपकी मम्मी, तो हर शूट पे आती हैं आपकी मम्मी? ऑलमोस्ट हर शूट पे। अच्छा। हाँ अभी तो बड़ी पॉपुलर हो गई मेरी मम्मी, मैं लंदन में हम लोग शो करने के लिए गए तो लॉबी में बैठी हुई थी मम्मी, 4-5 लेडीज आई मेरे साथ फोटो खिंचा के निकल गई, तो मम्मी को बड़ा बुरा लगा कि मेरे को कैसे नहीं पहचाना, मम्मी ने पीछे से आवाज लगाई हेलो, तो वो घूमी थे, अरे आंटी जी आप भी, मैंने कहा मेरे साथ नहीं फोटो खिंचाई, उन्होंने देखा वो बड़ा एंजॉय करती है इस उम्र में, वो स्टार बन गई वो पूरी वाह जी वाह, बहुत बड़ी, उस दिन गाना कितना लंबा गाया उन्होंने। हाँ वो जस्सी पाजी ने माइक दे दिया ना उनको, उनको पता नहीं था ना, मेरी माँ मेरे को पता था नहीं छोड़ेगी माइक, तो आपने बोला मम्मी माइक, मजा आ रहा मम्मी ने छोड़ा, हाँ बड़ा वायरल हुआ वो, बड़ा मजा आया। अच्छा पिताजी से कैसे संबंध है भाई, क्या क्या सीखा आपने उनसे? यार सच बताऊं तो मैं तब 22 साल का था जब पिताजी चल बसे,
आई थिंक दोस्ती शायद उसी उम्र में होनी शुरू होती है. पहले तो डरते रहे हम क्योंकि डैडी तो थे ही, पुलिस वाले भी थे. तो एक्चुअली जब कॉलेज में गया ना मैं, जब बाहर रहने लगा, मतलब जलंधर, अमृतसर से जलंधर दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो तब थोड़ा होता था कि कभी मेरे दोस्त वोस्त आए अमृतसर तो बियर वियर मंगा के रखनी. तो ऐसी बड़ी कमी मीटिंग्स हुई, एक दो ही, मतलब उंगलियों पे आप गिन सकते हो. पर हाँ, वो दोस्ती होनी शुरू ही हुई थी कि वो चल बसे कि उनकी मैं कुछ चीज़ें जान पाता उनसे. होता ना कि हम अपने बेसिकली आपकी लाइफ में आपका पिता ही हीरो होता है ना. सही यार, तो वो सब चीज़ें शायद उनसे पूछने का वक्त ही नहीं मिला. पर जैसे अखबार वगैरह में नाम आया कभी? हाँ, हमारा जब यूथ फेस्टिवल में हमारा प्ले आया, पहली बार जब प्ले किया वो थर्ड आया था. हाँ. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की ट्रॉफी और वो सब छोटी छोटी फोटो आती ना, जैसे हाँ. पहले पहले ऑडियो कैसेट के नीचे लिरिसिस्ट की फोटो होती थी, इतनी सी. तो इतनी सी फोटो लगी, पहचान में भी नहीं, लेकिन मैंने डैडी को दिखाया, बड़े खुश. तो अपने उनके जो चौकी के SHO थे उनको जाके दिखा रहे हैं, घर से पेपर लेके गए. अच्छा. हाँ, तो मुझे कैसे पता चला, मैं एक बार ऐसे दोबारा डैडी से मिलने गया, बोले ये मेरा बेटा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फोटो आई. तो मैं वैसे ही कभी कभी दिल में आता कि यार आज अगर होते है ना. तो जब मैंने ही कभी नहीं सोचा था कि ये सब होगा, तो अच्छा लगता है उनको. पर ठीक है, मुझे तो लगता है कि यार वही करवा रहे हैं जाके, हेड ऑफिस जाके ना. बिल्कुल, काम जल्दी हो रहा है. इसलिए भी शायद मम्मी को आप बहुत वो करते हैं ना. हाँ यार, वो मम्मी ने भी एक्चुअली ना, क्योंकि हाउसवाइफ है मेरी माँ, जब दोनों बेटे, मैं 22 साल का, मेरा भाई 23 साल का था, डेढ़ साल ही बड़ा है मेरे से. तो एक लेडी के ऊपर इतना प्रेशर आ जाना, पर उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया उस चीज़ को, तो मुझे मेरी माँ बहुत बड़ी हीरोइन है मेरी लाइफ में. कि आज 40 की उम्र में आके आज दो बच्चों का बाप हूँ, तो मैं आज अगर ये सोचूं कि यार ऐसी सिचुएशन, अब समझ में आती ना धीरे धीरे बातें, कि यार मम्मी ने कैसे हैंडल किया होगा उस समय, 3 बच्चों को लेके बैठी है, पुलिस क्वार्टर है, कल को पता नहीं है, ये खाली भी करना पड़ेगा. तो वो 6 महीने में खाली करना है, और वो क्या सोच रही होगी उस समय. हालांकि बाद में भाई को नौकरी मिल गई पुलिस की. तो पर एक होता ना कि वो पीरियड, वो एक रात नहीं निकलती यार, मतलब ऐसा कुछ हुआ हो घर में. सो वो चीज़ें मैंने बड़ा, मैं एडमायर करता हूँ अपनी माँ को इस मामले में. पर आप भाई करते भी बहुत प्यार से रखते हैं आप उनको. मैं उस दिन मैं उनसे मिला जब शूट पे, मुझे बड़ा ऐसा लगा, वो मेरे लिए वो था कि यार अपनी माँ को, अपने पिता को अगर ऐसा महसूस कराया जाए तो कितना खूबसूरत होगा. हाँ, और मुझे लगता है हर कोई माँ बाप से कौन नहीं प्यार करता. हमारा ये कि टीवी पे बैठी होती मम्मी दिख जाता है कि अच्छा, तो वो अच्छा भी लगता है. मुझे लगता है उसकी वजह से हमारा कंटेंट भी क्लीन रहता है, क्योंकि सामने माँ बैठी है. है ना, तो हम, क्योंकि कॉमेडी में होता है ना, इम्प्रोवाइजेशन हो ही जाती है, बाद में एडिट में हम लोग देख लेते हैं. लेकिन मम्मी होती है तो हमारा ऑनलाइन ही एडिट होता है, कि कोई हमारे राइटर भी ऐसी कोई चीज नहीं लिखते हैं कि. तो उसी वजह से शायद हमारे शो को बच्चे बूढ़े सब देखते ही है, मतलब फैमिली शो बन गया. ये है सक्सेस का राज, आज हमको पता चल गया कि अपने शो पे मम्मी को बुलाइए आप. हाँ. तो सारा कंटेंट क्लीन रहेगा, क्लीन कॉमेडी का आसान तरीका. हाँ. अच्छा, ये आपका मन नहीं करता भाई, हम लोग तो जैसे खुले में कर लेते हैं ना यूट्यूब पे कॉमेडी, हम तो बोल भी देते हैं कुछ कुछ. हाँ. भी कभी भी आप लोगों का मन नहीं करता कि यार, जो बहुत आते हो ना. मुझे पता है कि मैं अगर सच्चे, मेरे को भी ऐसा मौका मिल जाए ना थोड़ी नॉटी बातें करने, उसमें फिर एक बार रेवोल्यूशन आएगा. मैं आपके शायद आपके शो में देखा था, आपके साथ थे शायद इरफान भाई जी. इरफान भाई के मुंह से पहली बार मैंने गालियां सुनी थी. नहीं, वो शायद ये भी का वीडियो होगा, पर हाँ, वो हम शायद उनका दे, था. हाँ, दे देते हैं वो. तो मेरे को बड़ा मजा आया देख के वो. यार हम सब कहीं ना कहीं यू नो जहां से आते हैं निकल के, और रियल सोसाइटी वैसी है यार. हाँ. दोस्त आपस में ऐसे ही बात करते हैं, और टीवी पे आके हम लोग, और टीवी पे तो इतना, मतलब SNP वो आज एक डिपार्टमेंट होता है, टीवी पे आप पागल शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको पता है. मुश्किल भी हो जाता है. हाँ. आजकल लोग नाराज भी हो जाते हैं. हाँ. होते होंगे शायद, पहले भी आई डोंट नो, पर शायद पहुंचती नहीं थी मैसेज. आजकल क्या सबके पास ट्विटर है, सबके पास. हाँ. तो उन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है. ट्विटर का तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए. हाँ. अब मैं जाता नहीं हूँ, मुझे जो अपना अपने बारे में डालना है, कोई चीज कर रहा हूँ नहीं तो डाल दिया, लोगों के कमेंट्स पढ़ने ही नहीं. आपकी फिल्म आ रही भाई, नहीं क्या नाम है उसका, ज्विगैटो. ज्विगैटो बड़ा से, मतलब हाँ, बड़ा इंग्लिश सा नाम है. हाँ, लेकिन कहानी देसी है बिल्कुल. अच्छा, क्या है भाई स्टोरी, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ. पूरी स्टोरी सुनाओ. नहीं नहीं. हाँ. एक ऐसा बता दीजिए कि अगर बंदे की आपको कोई दोस्त मिले कि कौन सी पिक्चर देख के आए थे, तो उसको 2 मिनट में इसके पहले कि पापा आ जाए तो ये कहानी है बेसिकली.
जैसे आप सब जानते हैं ग्लोबली पूरा पेंडेमिक में बड़े सारे लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, तो कोई एक ऐसा करेक्टर है जो शायद एक अच्छी नौकरी कर रहा था लेकिन वो नौकरी चली जाती है और फिर वो डिलीवरी बॉय बन गया है, और उसकी जिंदगी में उन चार दिनों में क्या होता है। तो ये बड़ी खूबसूरत कहानी है, अच्छी लगी मुझे भी सुन के, तो मुझे लगा करनी चाहिए। नंदा के साथ काम करके कैसा लगा भाई? बहुत बढ़िया यार। पहले ना मुझे लगता था कि मैं ही बड़ा मेहनती हूँ दुनिया में ना, पर वो थोड़ी ज्यादा ही मेहनती है। कभी कभी अपना मन होता है ना, जैसे अपने को 20 साल हो गए कॉमेडी करते हुए, दिल होता है ना कि यार एक सीन में यहाँ पे एक स्कोप है, मैं एक लाइन बोल दूं, नहीं तुम चुप बैठो, कपिल शर्मा मत बनो तुम ये कैरेक्टर हो मेरे, तो वो पकड़ के रखना वो बड़ी चीज जरूरी है। हम लोग फैलने में टाइम नहीं लगाते ना, अब हम तो पानी हम हाँ। जगह दोगे, टाइम दोगे हम पहले हाँ। हाँ। जिंदगी में ना हम एक्टिंग की बात आती है तो हम लोग एक्टिंग एक्चुअली करने लग जाते हैं। सबसे मुश्किल है सरल होना हाँ। है ना, तो वो सरलता जो थी ना वो उस फिल्म में दिखी है। आज मैं अभी आज ही ट्रेलर लॉन्च करके आ रहा हूँ आपके शो पे आने से पहले, मेरे को किसी ने पूछा, प्रेस रिपोर्टर ने, बोलता आपकी वाइफ को कैसा लगा ट्रेलर? मैं कहा उनको ट्रेलर बड़ा अच्छा लगा, पर वो शॉक नहीं हुई, क्योंकि मैं कहा आपने 15 साल से मुझे हमेशा दांत ही देखे मेरे हंसते हुए, है ना, शरारतें करते हुए, उसने मेरे सारे मूड देखे हैं, उसने मुझे शायद कभी गुस्से में भी देखा होगा, उसने शायद मुझे कभी रोते हुए भी देखा है हाँ। तो वो तो मुझे हमेशा बोलती तेरा तेरी रेंज बहुत है तू तो ड्रामेबाज भी बहुत है, तू इमोशनल भी बहुत है हाँ। तो हाँ मजा आया काम करके। तो मेरे ख्याल से आज के लिए अपन यहाँ पे डन है, कल फिर करेंगे, कल फिर करेंगे, कल फिर इसी वक्त यहीं पे इसी चैनल पे इसी चैनल पे फिर से होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िवगाटो नाम की फिल्म आई है, कपिल भाई उसमें लीड है और उसके अलावा शाहना गोस्वामी है उसमें जी, ठीक है, वो आपकी वाइफ का कैरेक्टर कर रही है जी, वो मेरी वाइफ का कैरेक्टर कर रही है, और नंदिता दास ने डायरेक्ट करी है माशाल्लाह से, उनका खुद का साहब वैसा, उनका तो वो वाला हिसाब है कि कान पकड़ के नाम लेना चाहिए। और अप्लॉज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस की है फिल्म, समीर नायर हमारे जिन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया कि इस फिल्म को, नंदिता इस पे एक्चुअली शॉर्ट फिल्म बनाना चाहती थी अच्छा, पर उनको लगा कि यार ये जर्म बहुत अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, गिग इकोनॉमी के ऊपर है और यूनिवर्सली ये चीज यू नो पैंडमिक ने सबको इफेक्ट किया बिल्कुल, तो उनका मन था कि इसके ऊपर पूरी फीचर फिल्म बनाई जाए। और ये बहुत जरूरी होता है, कई बार हम इन बातों को टाल देते हैं कि बनी हुई चीज में बनाने वालों का बहुत हाथ होता है, बिल्कुल बिल्कुल ना, कि अगर वहां से फैसला नहीं होगा तो यहाँ पे ये चीज नहीं आएगी, तो उनका भी नाम लेना बहुत जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो समीर नायर साहब और अप्लॉज को भी बहुत बहुत शुक्रिया ये फिल्म बनने देने के लिए है ना, और उसके अलावा आप लोगों का काम यही कि इसको देखना है आपको, ठीक है, और ये इंटरव्यू कैसा लगा उसमें कमेंट में आपको बताना है।